गाइस व्हाट्सएप की हाल चाल सब बढ़िया है ना तो बढ़िया ही रहना और नहीं बढ़िया है तो बढ़िया रहने का कोशिश करना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल टू गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज 11 अप्रैल 2020 सो आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। आप सोचिए क्या, बहुत सारे लोग ही जानते होंगे, क्या हो सर सोचो, नहीं आ रहा है समझ में। लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन का जो टाइम था वो और 15 दिन ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, मतलब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये तो बैड न्यूज़ है। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग लॉकडाउन में कैसे हो, क्या कर रहे हो। हाँ ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं बहुत जगह देख रहा था, बहुत राशन के दुकान पे जो बहुत सारे लाइन लगा रहा, सुबह सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे 1 बजे तक पूरा का पूरा लाइन लगा रहता है, क्योंकि उन्हें राशन इकट्ठा करना है। क्यों भाई, इतना एक राशन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सब स्टोर वगैरह तो सभी खुला रहेगा, जो आपका नीड है हर रोज का जो नीड है वो दुकान स्टोर खुला रहेगा, फिर भी आप क्यों सामान इकट्ठा रखा जाए। जिसको अगर नीड होगा वो नहीं पाएगा, जैसे दिन आता है दिन खाता है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत वाली बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात। और हाँ, आप लोग चाहे तो गरीब लोगों के लिए मदद कर सकते हो, कुछ पीएम फंड वगैरह और पेटीएम से भी लिंक रहता है वो फंड वगैरह, तो वहाँ से पेटीएम या अमेजोन आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू भी दे सकते उनको, वो फंड में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। मतलब देश के बहुत सारे गरीब लोग भूखे रहते हो गए अभी, तो उन लोगों को मदद मिल जाएगी, तो आप लोग डोनेट कर सकते हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि कुछ लोग फ्रॉड अकाउंट बनाकर जो पीएम फंड का जो यूपीआई है वो उसी नाम का एक आधा लेटर चेंज करके सेम नाम पे ही बना देते हैं यूपीआई अकाउंट। हाँ, उसी के कारण लोगों को बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे या मेल पे मैसेज जाते हैं, उन लोगों ने मैसेज कर देते हैं कि आप इनमें पैसा डालिए तो ये डायरेक्ट पीएम फंड में ही जाएगा, तो बहुत सारे लोग अनजान में डाल देते हैं पैसा और वो पैसा उन लोगों के पास उन लोगों के पॉकेट में चला जाता है, बट गरीब लोगों का मदद नहीं होता उनसे। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आप जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उनमें जो लिंक दिया है वो वहाँ पर जाके आप पैसा डोनेट करिए, कि आप जो डोनेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के उस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट में जाएगा। सो ये फ्रॉड के चक्कर में एक अकाउंट में 17 लाख रुपया और एक अकाउंट में 8-9 लाख रुपया जमा हो गया था। आप लोग घर बैठे बैठे बहुत तरह की कोर्स से सीख सकते हैं। आप लोगों को मैं 2 फ्री कोर्स के बारे में बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि एक है टीसीएन ने लॉन्च किया है एक कोर्स को, उस कोर्स का ड्यूरेशन है 15 डे का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे होंगे स्क्रीन पे उसके स्क्रीन शॉट। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी से भी आप लोगों को मतलब फ्री कोर्स यूनिवर्सिटी ने भी लॉन्च किया है, सो आप लोग उन कोर्स को कर सकते हो। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उनमें थोड़ा पैसा लगता है, बट आप लोग सीखने का क्या तकलीफ है, तो आप सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जो पैसा दे के ले सकते ले
ले लेगा तो बहुत थोड़ा ही रकम है, मतलब और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन वाला फी, एडमिशन करके जो फीस आता है उससे बहुत 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 गुना कम है ये, मतलब सर्टिफिकेट आप लोगों को, मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट आप लोगों के मेल में भेजा जाएगा। सो आप लोग कर सकते हो, ये लॉकडाउन के टाइम में घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्स सीख सकते हो। आपका जो हॉबी है वो हॉबी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, लाइफ में थोड़ी एन्जॉयमेंट चाहिए और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई एक्सपेरिमेंट होगा सक्सेसफुल, कोई नहीं भी होगा तो भी नेगेटिव होने का कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंट करते जाओ, होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो और भी बढ़िया है। आज हम कुछ ऐसी कुड़ापते वाली हरकत करेंगे। बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया में डालगोना मतलब बहुत ही फेमस हो रहा है, तो वो चीज़ को हम घर में ट्राई करते बनाते देखते कैसे बनते। चलिए। ओके गाइस, तो डालगोना कॉफ़ी तैयार करने के लिए जो जो सामान ज़रूरत है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कटर में मैं पानी डाल पानी कॉफ़ी और चीनी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो ये थोड़ा मिला देता हूँ, उसके बाद पानी डाल के मिक्स करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आप ट्रिप को एंजॉय करिए। ऊपर से जो टेक्सचर है वो बहुत बबल सा हो रखा है और फुला फुला सा हो रहा है, और जो लेयर लेयर है यहाँ से देखते इधर अलग लेयर इधर अलग लेयर, तो बहुत ही कमाल का बना हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो इसके लिए एक हिट लाइक। तो आपने देखा है कि मैं जो डालगोना कॉफ़ी है मैं बना चुका हूँ, तो मैं इंजॉय करते हो आप घर में ट्राई कर सकते हो। इजी एक प्रोसेस है, मतलब मिक्सी चलाओ और हो जाओ, आपको गैस की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई आग की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मिक्सी से ही बना। तो मैं तो ये अभी फ़िलहाल कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, आप लोग क्लिप इंजॉय करिए।
बहुत ही यम्मी और टेस्टी था, मतलब सच में, मतलब पहले मैं बोलने भूल गया था, जो लॉकडाउन है वो 30 अप्रैल तक ही है अभी तक भी, और जो स्कूल कॉलेज का जो बंद है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बंद है वो पूरा 10 अप्रैल मई जून 10 जून तक बंद रहेगा। तो आप लोग घर में ही रहिए, घर में काम करिए, घर में ही मज़े करिए, और बाहर बहुत ही ज़रूरी नीड है तब भी बाहर जाइए, और बाहर जाने से पहले आप ग्लव्स और मास्क पहन लीजिए, और बाहर से आने के बाद आप वो ग्लव्स और मास्क मतलब एक ढक्कन वाले जो डस्टबिन होते हैं उसके अंदर फेंक दीजिए, और हाथ या जो भी चीज़ आप बाहर ले गए थे उनको अल्कोहल वाले हैंड वॉश से अच्छी तरह सैनिटाइज कर लीजिए, और सैनिटाइजर अगर नहीं है तो आप लोग साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ धोइए, दो समय समय में हाथ सैनिटाइज करते जाइए, और इतना ही कहना था। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, एक लाइक ही तो कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो न्यू आए हैं चैनल पे तो वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और जो पास वाले जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगा आपके पास वो वीडियो यूट्यूब के दौरान आपके पास मैंने पहले पहुँच जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।